नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो के साथ फिलहाल हम आ चुके हैं नंदगंज रेलवे स्टेशन अपडेट के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले देखिए चैनल का इंट्रो। जैसा कि फिलहाल मैंने आपको शुरू में ही बताया, अभी नंदगंज है और हम फिलहाल स्टेशन बिल्डिंग के बाहर हैं। मेन एंट्रेंस बिल्डिंग जो होती है नंदगंज की, यहाँ से आपको जो है रोड मिल जाएगी यहाँ की सड़क आने के लिए मार्केट से स्टेशन की तरफ में। और ये आपका स्टेशन बिल्डिंग है, यहाँ पे सामने की तरफ में अगर आप देखें, यहाँ की तरफ आपकी बिल्डिंग हो गई और ये आगे पैसेंजर्स के जाने के लिए। और यहाँ पे जो आपका टिकट काउंटर है इस तरफ में, जिसके ऊपर शेड थी वो अभी नहीं है फिलहाल में, वहाँ टिकट काउंटर है। और ये वाला एंट्रेंस वाला हिस्सा है मेन स्टेशन, जो है साफ है फिलहाल में, पैसेंजर्स उतने नहीं है, बाकी गंदगी ज़रूर है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेन टाइमिंग के लिए दिया हुआ, पर ट्रेन यहाँ ज़्यादा रुकती नहीं है। पहले यहाँ की तरफ काउंटर था तो यहाँ पे से जो दिया हुआ था वो वाला हिस्सा बंद है। यहाँ आपका वेटिंग हॉल है अंदर की तरफ एक स्टेशन पे, यहाँ की तरफ वेटिंग हॉल है। मतलब व्यवस्था यहाँ पे है पर पैसेंजर्स नहीं, क्योंकि ट्रेन्स नहीं उतनी ज़्यादा रुकती है। फैन भी ऊपर की तरफ इधर लगा हुआ। और यहाँ से आपके एंट्रेंस हो जाएगी प्लेटफॉर्म एक पे, यानी एक वाले हिस्से पे। ये एक्चुअली में व्हील चेयर एक्सेसिबल बनाया गया है, जो कि व्हील चेयर आ सके। और ये प्लेटफॉर्म एक है आपका, वहाँ दो और तीन, और वहाँ बगल में मालगोदाम है जो गाजीपुर में था पहले, वो यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो जो भी गाजीपुर का जो भी माल गाड़ी या गुड्स ट्रेन से जो भी सामान आता है यहीं पर उतरता है। और यहाँ पे आपको एक सिंगल क्लॉक मिल जाएगी, कोच इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे। बाकी प्लेटफॉर्म काफ़ी चौड़ा है, मतलब एक नंबर जो हिस्सा है, क्योंकि आधा जो एक्सटेंडेड वर्जन बनाया गया यहाँ की तरफ में, मतलब पहले स्टेशन जो इतना हिस्से में ही था, बाकी हिस्से को जो एक्सटेंड किया गया इसमें आगे की तरफ में, प्लेटफॉर्म को जो चौड़ा किया गया, लंबाई भी बढ़ाई गई है साथ ही साथ। और यहाँ की तरफ आपको टॉयलेट मिल जाएगा जो बंद है फिलहाल में। बाकी फर्श बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब कोई मार्बल ग्रेनाइट ऐसा नहीं है, नॉर्मल आरसीसी वाली फर्श है। और बैठने के लिए आपको यहाँ पेड़ वगैरह हैं, बेंचेस वगैरह लगी हैं, आगे शेड है पर उसमें बेंच नहीं है आगे की तरफ अगर आप देखेंगे। बाकी आपका फुट ओवर ब्रिज है, प्लेटफॉर्म पे जो है एटलीस्ट यहाँ पे नेम मेंशन्ड है, यानी ताड़ीघाट स्टेशन की तरह नहीं किया गया। और बाकी प्लेटफॉर्म बोर्ड तो लगाए गए थे उस वाले हिस्से में भी, मेरी पुरानी वीडियो दो साल पहले की थी उसमें मैंने दिखाया भी था, पर अभी फिलहाल में जो है तोड़ दिया गया था, मतलब टूट गया है, लोगों द्वारा जो है नष्ट कर दिया जाता है। अब कौन सी ट्रेन का टाइम यहाँ पे हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, मुझे वेयर इज माई ट्रेन चेक करना पड़ेगा, पर अभी पैसेंजर्स हैं थोड़े बहुत। बाकी फुट ओवर ब्रिज वाला उसकी कंडीशन क्या है तो उसको चल करके मैं अभी आगे दिखाता हूँ आपको। ये वही वाला हिस्सा है जहाँ से टिकट काउंटर था बाहर की तरफ में। और यहाँ पे जो है सीढ़ी भी है और साथ ही साथ आपका व्हील चेयर, यानी आप एक तरफ से दूसरी तरफ व्हील चेयर के थ्रू भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ सीढ़ियाँ भी बनाई गई है, सीढ़िया ऑलमोस्ट एफ ओ बी जो है नया ही बना था, तो उसकी कंडीशन ठीक ठाक है, क्योंकि उतनी इस पे पैसेंजर की लोड है नहीं स्टेशन पे। तो आपको मतलब सीढ़ी वगैरह ठीक ठाक, टाइल्स वगैरह टूटे नहीं, नहीं तो गाजीपुर में भी टूट गए थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत तो पैसेंजर का लोड रहता, इधर वो भी नहीं है। ट्रेन से एक्चुअली रुकती ही नहीं इसलिए लोड नहीं है। बाकी यहाँ से देखिए मैंने दिखाया आप गाड़ी, लोग जो है गाड़ी लेकर के आते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, यहाँ से चढ़ के बाइक जो है इस पार से उस पार कर लेते हैं। बाकी एफ ओ बी ठीक ठाक है, चढ़ाई है, कहीं भी आपको यहाँ पर टाइमिंग नहीं मिलेगा ट्रेन का आने जाने का टाइम टेबल के लिए जो आता है प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ट्रेन्स नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। और इधर की तरफ देखिए उतरने के लिए आपको इस तरफ तो सीढ़ी बनी हुई है,
अगर आप देखेंगे यहाँ सीढ़ी है, पर इस डायरेक्शन में जा रहा तो सीढ़ी नहीं है, ये डायरेक्ट वो ऐसा वाला जो व्हील चेयर लेके आ सके वैसा बनाया गया कि आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। टोटल 3 नंबर का प्लेटफॉर्म है, एक जो लाइन आपका माल गोदाम के लिए यानी गुड्स ट्रेन फ्रेट ऑपरेशंस के लिए, फ्रेट से जो माल आते हैं फ्रेट ट्रेन से उतरते हैं गुड्स जो भी होते हैं, और इसके यहाँ देखिए ट्रकों की लाइन भी लगी हुई है पूरी, वहाँ पे उसका ऑफिस है जो भी बुकिंग वगैरह होती है, और इस लाइन का मोस्टली वही यूज़ है। सेम गाजीपुर सिटी स्टेशन ही है पहले के समय का आप मान सकते हैं, जैसे गाजीपुर में पहले 3 प्लेटफॉर्म थे और लास्ट वाला जो 3 नंबर था वो माल गोदाम के लिए यूज़ होता था, क्योंकि पहले जो है 1 नंबर पर माल गोदाम था गाजीपुर सिटी का, 1 नंबर से आगे में, बाद में एक प्लेटफॉर्म जो एक्सटेंड हुआ तो वो बंद हो गया, तो इसलिए 3 नंबर का यूज़ करते थे। तो कुछ उसी तरीके से दिख रहा है ये, एक तरीके से आप मान के चलिए पुराना गाजीपुर स्टेशन है विद एक एडिशनल लाइन जो कि माल गोदाम के लिए यूज़ होती है, और इसका एंट्रेंस यहाँ से भी है माल गोदाम में आने के लिए, मतलब आप गाड़ी से भी आ सकते हैं जो एक की तरफ से, उधर से भी है क्रॉसिंग से भी। बाकी प्लेटफॉर्म पर आपको अगर मैं दिखाऊँ तो इधर एक टिन शेड है छोटे से हिस्से में, और यहाँ पर है, तो यहाँ वाला चल करके अभी मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, तब तक वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको सीधा नीचे चल के दिखाता हूँ अभी यहाँ से। और ये प्लेटफॉर्म 2 और 3 वाला हिस्सा है, देखिए जहाँ भी ऐसे शेप में आपको कलर छोटा दिखा, यहाँ पे पूरा बोर्ड लगाया गया था जो अब नहीं है इस समय, मतलब सब तोड़ दिए गए, एक भी सिंगल बोर्ड आपको देखिए प्लेटफॉर्म के एंड पे तो पता चलने के लिए बोर्ड मैंडेटरी है, बाकी इधर भी रखते हैं वो सारे के सारे टूट गए हैं। अरे पुरानी वीडियो में मैंने पूरा 1-2 साल 2.5 साल पहले दिखाया था, पूरा लगाया था, एक एक बोर्ड लगाया गया था, आज की डेट में एक सिंगल बोर्ड नहीं है, सब तोड़ दिए गए हैं। बाकी प्लेटफॉर्म एकदम ही बेसिक है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे के तैसे है, बस सफाई नहीं है, जो गंद पड़ी है वो वहीं के वहीं पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। बस ये कि स्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, ट्रेन के अगर स्टॉप मिलते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा यहाँ के लोगों के लिए नंदगंज के, नहीं तो इनको जो है सैदपुर या गाजीपुर या के ट्रेन जो है बोर्ड करनी पड़ती है। बाकी प्लेटफॉर्म तो फ्यूचर के हिसाब से सही बनाया गया है। यहाँ देखिए एक हैंडपम्प भी है, अब ये हैंडपम्प जो है FOB के बीच में एकदम आ गया है, फुट ओवर ब्रिज का जो पिलर है उसी में आ गया, तो इसे हटाया नहीं गया, वहीं का वहीं है। बाकी एक सिंगल बेंच यहाँ लगी है और बाकी आपके शेड वाले हिस्से के नीचे है। शेड वाले हिस्से में पहुंच करके वहाँ दिखाता हूँ, हाँ वाला शेड वाला हिस्सा, और अभी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले ऊपर से दिखाया था ये वो वाला है, यहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ पे बेंचेस वगैरह है, मतलब इसकी कैसे भी इधर उधर डायरेक्शन में लोगों ने करके रखा है बैठने के लिए अपने, यहाँ पीछे की तरफ आस पास में तो लोग जो है यहाँ करके बैठते हैं शाम के वक्त, तो इसलिए इसका जो फेस जो है एक तरफ मतलब पर्सनल चेयर की तरह करके रखा हुआ है। बाकी बस ये पूरा यहाँ साइड का था, बेंचेस वगैरह यानी बैठने की क्या व्यवस्था थी, बाकी फैन इस वाले में एक भी नहीं है, इस वाले पैच में एक सिंगल फैन नहीं है प्लेटफॉर्म 2 और 3 पे। और इधर का भी देखिए बोर्ड तोड़ दिया गया है, यहाँ एक बोर्ड लगा था वो भी टूट गया है, और आगे पानी पीने के लिए व्यवस्था है, नल है, और सामने की तरफ एक टॉयलेट भी है जो कि गाजीपुर में देख रहे हैं बड़ा टॉयलेट बन रहा है उस वाले की बात कर रहा हूँ, टॉयलेट है और यहाँ एक पानी पीने के लिए, इसको भी चेक कर लेंगे कि इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पानी मेरे हिसाब से तो आना चाहिए क्योंकि लोग जो है यहाँ पे पैसेंजर तो रुकती है सुबह शाम, नहीं पानी नहीं आ रहा इसमें भी, इस वाले में भी पानी नहीं आ रहा, मतलब तीनों में देखिए नल तो ब्रांड न्यू लगे हुए एकदम, पर पानी का सप्लाई कहीं भी नहीं है। सेम अगर इस तरफ देखा जाए तो इधर की तरफ में भी नहीं है, किसी में पानी नहीं है, मतलब जितने यहाँ पे लगे हैं वो तो टॉयलेट है उसमें भी पानी नहीं आ रहा होगा बेसिक फ्लशिंग के लिए। अरे लोगो जा रहा है WAG 9 HC है सैदपुर भीतरी शेड का, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लोको शेड में जा रहा है अपने जहाँ का ये है, आगे नंदगंज के आगे सैदपुर ही है। तो बस यही पूरा संपूर्ण अपडेट था इधर का नंदगंज का, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ थी, तो बस यही पूरा संपूर्ण अपडेट था नंदगंज रेलवे स्टेशन का, जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल थी और क्या स्थिति में है स्टेशन फिलहाल में,
दिखाने की पूरी कोशिश की। तो जो लोग भी वीडियो में अंत तक बने हुए थे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ किसी आपको नई वीडियो में नए अपडेट के साथ किसी नई जगह से।